बिहार में एनडीए के साथ गठबंधन के बाद 23 महीने बाद रविवार यानी 2 मई को नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार के बाद आज नीतीश कुमार ने बिहार कैबिनेट का विस्तार किया है। खास बात यह है कि मोदी सरकार में बिहार से बीजेपी के जिन नेताओं को मंत्री बनाया गया है उसमें 80% लोग अगड़ी जाति से आते हैं। वहीं ठीक इससे उलट नीतीश कुमार जो आज कैबिनेट विस्तार किया है उसमें 75% पिछड़ी जाति से आते हैं। नीतीश कैबिनेट में जदयू के 8 नामों में 2 अगड़ी जाति और 6 पिछड़ी जाति के नेता शामिल हैं। बता दें कि नीतीश सरकार में 3 मंत्रियों को सांसद बनाए जाने के बाद 3 मंत्री पद खाली थे, जिसको भरने के लिए आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिसमें ललन सिंह, पशुपति पारस और दिनेश चंद्र यादव शामिल हैं। वहीं मुजफ्फरपुर कांड को लेकर के मंजू वर्मा ने समाज कल्याण मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, ऐसे में ये पद भी खाली चल रहा था जिसे अब भरा जाएगा। इस शपथ ग्रहण के मौके पर राज्यपाल भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। इस बार जदयू से 4 मंत्री ऐसे होंगे जो कैबिनेट में नए होंगे, वहीं 4 पहले भी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। मालूम हो कि बिहार में नीतीश समेत मंत्रिपरिषद में कुल 25 सदस्य हैं, लेकिन नीतीश सरकार में कुल 36 मंत्रिमंडलीय सदस्य हो सकते हैं, यानी 11 और सदस्य इसमें जोड़े जा सकते हैं। जदयू ने जिन 8 मंत्रियों को शपथ दिलाया है उसमें श्याम रजक दलित समाज से हैं, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार भूमिहार समाज से, कांग्रेस से जदयू में अशोक चौधरी दलित समाज से, रामसेवक कुशवाहा कोयरी समाज से, नरेंद्र नारायण यादव यादव समाज से, संजय झा ब्राह्मण समाज से, लक्ष्मेश्वर राय अति पिछड़ा और बीमा भारती पिछड़ी जाति से आती हैं। इन नेताओं को नीतीश कैबिनेट में मिली जगह। अशोक चौधरी, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अशोक चौधरी 25 साल कांग्रेस में रहने के बाद 2018 में पार्टी छोड़ जदयू में शामिल हो गए थे। वो वर्तमान में जदयू विधान परिषद के सदस्य हैं और नीतीश कुमार कैबिनेट में वो शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। रामसेवक सिंह, हथुआ विधानसभा सीट से जदयू विधायक हैं। नरेंद्र नारायण यादव, मधेपुरा के आलमनगर से विधानसभा सीट से विधायक हैं और पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। संजय झा, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उन्हें हाल में ही MLC चुना गया है और अब फिलहाल वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री का हिस्सा बन चुके हैं। श्याम रजक, फुलवारी शरीफ से जदयू विधायक हैं और 1974 के JP आंदोलन से वो राजनीति में सक्रिय हैं। बीमा भारती, पूर्णिया के रुपौली से जदयू विधायक है और वह पहले भी नीतीश कार्यकाल में मंत्री रह चुकी हैं। लक्ष्मेश्वर राय, मधुबनी के लौकाहा से जदयू विधायक हैं और वह छात्र आंदोलन में कई बार जेल भी जा चुके हैं। नीरज कुमार, 2008 में जदयू के तरफ से विधान परिषद पहुंचे थे और 2009 में जदयू के राज्य स्तरीय प्रवक्ता बनने के बाद वह पहली बार बिहार मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में एक बात गौर करने वाली ये है कि भाजपा कोटे से अभी भी मंत्री पद के लिए सीटें खाली हैं, लेकिन उस पर नीतीश कुमार का ध्यान नहीं गया है, जिसे लेकर मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी पार्टी आलाकमान को दे दी गई है। मालूम हो कि भाजपा से नीतीश सरकार में 13 मंत्री हैं, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि इस कैबिनेट विस्तार में भाजपा को कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल Gazette Plus को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।